वहीं चूरू में खाकी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। चूरू के एसपी पर एक होटल में योजनाबद्ध तरीके से शराब रखवाकर भीमराज नाम के शख्स को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है। मेगा हाईवे पर बने होटल तेजा गार्डन में एसपी के नेतृत्व में ये फर्जी कार्रवाई सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित भीमराज का आरोप है कि पुलिस ने होटल में खुद ही शराब की बोतलें इकट्ठी की थी और अवैध शराब का फर्जी केस बनाकर उसे फंसा दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो 6 दिन बाद जमानत पर छूट गया। भीमराज ने एसपी केसर सिंह पर फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया है। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीमराज पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। इस मामले में उन्हें अब तक विभाग की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लोग बाहर से शराब लाकर रखते नजर आ रहे होंगे। कि आपके होटल में शराब का जखीरा पकड़ा गया, आप आओ, तो मैंने कहा कि आधी घंटे में मैं पहुंच रहा हूं। तो उसने कैसे सिंह ने बोला कि आप थाने आ जाना, तो मैं थाने गया। थाने जाते मेरे को नाम पता पूछा और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो मैंने उसको साहब को बोला कि मेरे नाम से होटल ही नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो मेरे ऊपर मुकदमा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को अब दरबार किया, गालियाँ निकाली, तो कुछ नहीं सुनाई की उसने। ये जो इनका कहना है, हालांकि इन्होंने कहीं हमें आके ऑफिशियली कोई ऐसी शिकायत नहीं दी है, पर इसमें जो बात वो बता रहे हैं उसके आधार पर हमने वहाँ पर से कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांगी थी कि पूरे कैमरा की हमें रिकॉर्डिंग दें। तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ कुछ काट के उन्होंने कहा कि बस हम इतनी है, हम व्हाट्सएप पर आपको भेजेंगे, तो पूरे कैमरा की रिकॉर्डिंग देंगे तो सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, जो उन्होंने मेरे हिसाब से अभी तक दी नहीं है और शायद वो कह रहे हैं कि डिलीट हो गई, हमारे पास में नहीं है। तो इस पूरी कहानी की ये 5 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज की पहले तस्वीर है जिसमें होटल में शराब रखी जा रही है, बाहर से शराब लेकर आई जा रही है, फिर शराब को रखा जाता है और सवालों के घेरे में एसएसपी हैं और एक शख्स को जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। ये पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े करती हैं तस्वीरें और सवालों के घेरे में है एएसपी केसर सिंह। नीरज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं चूरू से इसी पर अपडेट के लिए। नीरज, हालांकि एसपी कह रहे हैं कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे, उनके पास कुछ चीजें आई हैं, लेकिन क्योंकि एसपी स्तर का एक अधिकारी इस मामले में आरोपों के घेरे में है, तो पुलिस को जितनी संजीदगी दिखानी चाहिए उतनी संजीदगी दिखा रही है पुलिस। अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो फुटेज है वो पूरे नहीं मिल चुके हैं, जिनके कारण अभी इसके अंदर जांच के अंदर अभी थोड़ी कमी है, लेकिन जरूर है कि यदि एएसपी यदि अपराधी किस्म की कार्रवाई में यदि लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। लेकिन बताया जाता है कि जो भी कार्रवाई की गई है एसपी उनसे बचाव में भी आए हैं कि जो कार्रवाई की गई है जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है वो भी करीब 5 से 12 अपराधी किस्म के केस चल रहे हैं उसके ऊपर, और ये लिप्त भी बताया जा रहा है कि शराब के मामले में। देखना यह है कि अभी जांच पूरी होती है, किस तरह की जांच सामने आती है। जी चलिए नीरज चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।